ड्राइवर आ गया हमारे साथ बहुत टाइम के बाद. जैसे पास पास आए थे कुछ बिट एक्साइटेड कि हाँ क्या होने वाला है, बिकॉज फिर से दिया आप फिर से नहीं हुआ, मैं अगली बार फिर से ट्राई करूंगा. यार इनको रोशन चैनल में खोल देना चाहिए. तो गाइस फाइनली त्रिवेणी घाट की आरती अटेंड करने वाले हैं. हाँ वो लेके आने पड़ेगा. इसे बोलते हैं शहर की चकाचौन. तो उनको गंगा जी में डुबकी लगानी जरूरी है. हाँ अर्ली मॉर्निंग 7 AM. मुझे लग रहा है मैंने और मेरी फ्रेंड ने दिया होगा हमारा नंबर, हमें कॉल कर लेना है. आरती की जो प्रिपरेशन है वो होने लग गई है, तो तब तक हमें कुछ लगा के कुछ खा पी लेते हैं, तो फिर कुछ खाने पीने जा रहे हैं. उससे फिर उसके बाद हम लोग सीधा आरती अटेंड करेंगे, कुछ खा लेंगे छोटा मोटा. ठीक है गाइस, फाइनली त्रिवेणी घाट की आरती अटेंड करने वाले हैं. एंड फर्स्ट टाइम है मेरा भी, सुमन जी का भी फर्स्ट टाइम है. बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे भजन वजन भी चल रहे हैं, तो मतलब बहुत ही एक अलग ही माहौल होता है यहाँ पे. आई थिंक इसीलिए त्रिवेणी घाट की आरती होती है, मतलब ये लाइव आरती होती है. मतलब जो सेरेमनी होगी ना सनातन धर्म की वो होगी यहाँ पे भी, तो वो आपको पूरा दिखाऊंगा मैं. स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. A few moments later. फाइनली द वेट इज ओवर, और जिसका हम लोग वेट कर रहे थे सिमर, फाइनली सिमर आ गई हमारे साथ बहुत टाइम के बाद. सुबह से वेट करवा दिया सिमर, कैसा रहा सफर? बहुत हेक्टिक था बट या वाज गुड, ऑल ओवर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. इट वाज लाइक हां जैसे पास पास आए थे कुछ बिट एक्साइटेड कि हां क्या होने वाला है, बिकॉज आपके साथ ऑब्वियस है आई एम गोना यू नो बहुत कुछ नया देखने वाले. तो अभी सिमर का वेट कर रहे थे हम लोग, सिमर आ गई है, सुमन भी मेरे साथ है. तो कल के जो व्लॉग्स होने वाले हैं ना बहुत एक्साइटेड होने वाले हैं हम लोग, बहुत मस्त जगह जाने वाले हैं हम लोग ना. बाकी उत्तराखंड कैसा लगा आपको? मुझे उत्तराखंड बहुत अच्छा लगा, लोग यहाँ के इतने अच्छे हैं, लाइक दे आर वेरी हेल्पफुल. आपके सामने खड़े हैं ये तो ऑलवेज यार. चलो बाकी हम पूरा मार्केट एक्सप्लोर कराते हैं, सिमर को भी घुमाते हैं और हम भी घूमते. चलो तो यहाँ के एक्सपर्ट तो सुमन है, सुमन हमें घुमा रहे हैं इधर से उधर, है ना सुमन? क्या लग रही है मार्केट? मतलब लग ही ना कि यहाँ पर रात और क्यों होगी, चारों तरफ लाइटें. इसे बोलते हैं शहर की चकाचौन, हैं? शिवर यही बोलते हैं ना? दिस इज द वर्ड. हाँ एग्जैक्टली भाई, जब से हाँ वक्त दिखाने वाली वक्त सही बात है, हमारा वक्त तो खराब चल रहा है. देख के जैसा किसी का वक्त नहीं है. हाँ ये बात भी है. अगर बस मिल जाती है तो बहुत अच्छा. हाँ. फिर उन्होंने मतलब उन्होंने बोला कि देहरादून के बाद ऋषिकेश के लिए बसेस अवेलेबल है हर 5 मिनट बाद. फिर ठीक है. हाँ. बट एक चीज का ध्यान रखना. हाँ. अबाउट टेस्ट. हाँ वो लेके आना पड़ेगा. टेस्ट नहीं, वहाँ पे रैपिड टेस्ट होता ही होता है. अच्छा अगर आपने कैरी कर रखा तब भी होगा. हाँ देहरादून के जैसे
से आप एंटर होते हो? उत्तराखंड की बॉर्डर में। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इवन दो आपने दो डोज लगा रखी है तब भी हुआ था। तो जो भी मतलब उत्तराखंड आ रहे हो ना, तो मेक श्योर कि आप लोग अपने साथ RT-PCR पहले से ही कैरी करके रख ले, क्योंकि ये भी जैसे सिमर ने बताया कि हर जगह चेकिंग हो रही है, तो प्लीज कीप इन माइंड। कड़ा हुआ दूध, कड़ा हुआ। या ऋषिकेश का एक रिचुअल है, दो रिचुअल्स हैं यहाँ पे जो भी स्पेशली मेरे हमारे पास जो आता है। एक तो उनको गंगा जी में डुबकी लगानी जरूरी है अर्ली मॉर्निंग 7 AM। अच्छा 7 AM 5 से 7 बजे। अभी ये बोल रहे थे कि मतलब ये मैं करूंगी। 7 बजे सनराइज हो रहा होता है और आप सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तो ऐसे बोलते हैं कि आपके सारे पाप जो धुल जाएंगे। बस मैं धोने आई हूँ, आप सारे पाप बहुत कर चुकी हूँ पाप। देख लो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं पब्लिकली कि भाई मेरे पाप कर रखे हैं। हमारे पास जो भी आता है रिचुअल कि उनको ये करना ही करना है। गंगा जी तक मैं और नवीन लेके जाते हैं। डुबकी मारनी तुम्हारी है। भले हम दोनों ने खुद कभी डुबकी नहीं लगाई। मजा आया भाई साहब, देख रहे हो गाइस। और हमको एडवाइस दी जा रही है कि डुबकी मारो, और इनकी रिचुअल है इन्होंने फॉलो नहीं कर रखे, इन लोगों ने फॉलो नहीं कर रखे। हमारे घर में आने वालों को नहीं सकती है ताकि वो दोबारा ना आए। जिनकी स्कीम है। अब दूसरा मेन रिचुअल, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, वो तो ये ट्राई करेंगे पक्का। भांग नहीं, प्रसाद है, प्रसाद वो मतलब बहुत बूढ़े आदमी है यार, और वो ना यहाँ पे कई सालों से अपनी छोटी सी दुकान चला रहे हैं पकौड़ों की। उनके स्पेशल पकौड़े और स्पेशल भांग लस्सी पूरे तपोवन में फेमस है। हाँ। फिरंगी जो है वो दूर दूर से आते हैं खाने के लिए, और इंडियन भी मरते हैं। मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को वहाँ पे लेके जाऊँ, है ना। आप लोग खाना मैं देखूंगी, है मैं रिकॉर्डिंग करूंगी। आप लोगों के लिए ठीक है, तो ये दूसरा रीजन। ये अच्छा कॉन्टेंट दे रहे हो आप मुझे। उसके बाद जो हरकतें होंगी ना, फिर वो रिकॉर्ड आप करोगे ना। ये जिम्मा मैं अपने कंधों पे लेती हूं। देखो अगर हम लोग भांग खा के भंड हो गए, ठीक है, इनको इतना अच्छा कंटेंट मिल जाएगा ना रिकॉर्ड करने को ना। सही है ना, ये आइडिया बहुत सही है। करेंगे करेंगे, टेंशन मत लो, नवीन कराएगा। तो देखते हैं, अभी बहुत सारे प्लान बनने लग एग्जीक्यूट हो रहे, स्टार्ट हो गए। जब आप लोग वो खाओगे ना, तो उसके बाद आपको कम से कम भी मतलब रात का टाइम तो चाहिए चाहिए सोने के लिए। तो शाम को ट्राई करेंगे। शाम को ही ट्राई करेंगे। ऐसे करते हैं, रूम पे खाएंगे आराम से। नहीं नहीं, रूम में क्यों खाना है, किसी अच्छी सी लोकेशन पे आके खाएंगे ना यार। बाद में चलाएगा कौन बाइक वगैरह? अरे पैदल जाएंगे यार, अपने घर के पास जो बीच है ना वहाँ पे। वहाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन डन डन, फिर ठीक है, डन करते हैं बस, ठीक है डन। तो भाई कल देखते हैं, अब कल क्या होगा। तो फिर आप आगे बताओ कि हम कैसे मिले थे। मुझे लग रहा मैंने और मेरी फ्रेंड ने दिया होगा, हमारा नंबर हमें कॉल कर लेना है। नहीं नहीं, पहले हमें कॉल, ये भी नहीं होगा, ऐसे होगा कि हमने बोला होगा कि हाँ अब हम चंडीगढ़ में आए, हमारा पहला दोस्त बन गया कोई। हम नंबर दे रहे हैं भाई, अब बैक कॉल करो पहले तो। काम के बंदे हो आप। जब सही में यार, जब फर्स्ट टाइम कोई मिलता है तो फिर पीपल ड्रेस, उसके बाद बताओ ना उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद फिर मैं चली गई थी ना वापस, मैं इंदौर चली गई थी, उसके बाद दोबारा आई और फिर चंडीगढ़ में मेरा कोई दोस्त था, मैंने हैरी को पहला दो चंडीगढ़ से आप और मैं हम लोग रूम देखने के लिए रात डेली शाम को निकलते थे। इनको पहले मोहाली लेने जाता था मैं, 5 सेक्टर में थे आप, 5 फेस में थे। हाँ, फिर वहाँ से कहाँ आते थे हम लोग आईटी पर इनको रूम दिखाने के लिए, फिर इनको छोड़ता था, फिर मैं आता था चंडीगढ़। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। और वो भी पहला दोस्त है ये। और पहला ही रहा ये, ये नहीं चेंज। अरे पहले दोस्ती करते हैं, इतना और कोई नहीं करता। हाँ सही बात है। और फिर तुम कभी सपने लेक में गए थे शायद, एक दो गए थे। हाँ मुझे याद नहीं यार, ये मुझे याद नहीं है, ऐसे घूमने के लिए। हाँ शायद गए होंगे वहाँ से। एक अंकल के पास हम गए और हमने उनका रूम देखा। गए तो हम बहुत जगह गए थे। हाँ पर वो अंकल ने बोला क्या था यार, उस अंकल ने आके बैठा के मुझे चाय वगैरह पिलाई थी। हाँ, अंकल लग रहा था कि बड़े डिसेंट बच्चे हैं।
सबको ये जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं सबको पता है कि मैं रोडीज का ऑडिशन दिए जाता था आगे नहीं पता चला कि मैं लेकिन आई नो आई नो आई नो रोडीज ने बहुत रोडीज में मैंने बहुत बार ट्राई किया मैं रोडीज का बहुत बड़ा फैन हूं मेरी दो टांगे नकली है भाई साहब तो ये होता है जब आप लोग पुराने दोस्तों से मिलते हो ना तो सारी पुरानी बातें जो है ना सब बाहर निकल जाती हैं धीरे धीरे करके शायद मैंने आपको कभी कभी चैनल में बताया नहीं कि मैं रोडीज ऑडिशन में गया ये फर्स्ट टाइम हाँ सो भाई जैसे मतलब सिमर ने बताया था कि मैं रोडीज ऑडिशन में गया था तो मैं मतलब 4 से 5 साल मैंने कंटिन्यूसली रोडीज ऑडिशन दिया है वो बात अलग है कि मैं एक बार सेलेक्ट हुआ था बट राइट उसमें नहीं गया था मतलब पीआई में सेलेक्ट नहीं हो पाया था मैं बट मैंने ऑडिशन बहुत बार दिए हैं उस टाइम पे मतलब हम साथ काम करते थे ना उस टाइम पे 2014 की बात है यार हाँ मुझे इतना तो नहीं पता पर मुझे इतना पता है कि इन्होंने मतलब बताया मुझे कि मैंने फिर से दिया यार इनको रोस्टिंग चैनल खोल देना चाहिए अच्छा हमको सिखा रिया है एक्सपोज हैरी बोल है अंकल का रूम नहीं लिया मैंने चाय जरूर पी के आई मैं हम दोनों ने पी थी यार हैरी बोलता मन जिन्होंने वो दिखाया था पर उसके बाद क्या हुआ तो फिर मैंने कहा यार कुछ हो नहीं रहा है अब फिर मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड मोनिका को बुला लिया सो गाइस थोड़ा खाना पीना हो गया है और अब निकल रहे रूम की तरफ सो यहाँ पर हमने दिया दूध बहुत प्यारा दूध है यहाँ आओगे तो जरूर ट्राई करना ये दूध यार ये दूध के नाम क्या था जहाँ पर गए थे पीने क्या ये दूध हाँ पता नहीं यार बस मलाई वाला दूध था मलाई वाला दूध था रेफरेंस दूध तो कैसे दूं मैं रेफरेंस की यहाँ पीना है ना देखो त्रिवेणी घाट पे सिर्फ एक ही दुकान है जिसके बाहर बड़ी ही सी दूध की कढ़ाई रखी होती है बस और वो देखने में बहुत अच्छी लगती है ऐसा लगता है कि दूध पता नहीं कितना ही अमेजिंग होगा और सर्दियों में तो स्पेशली मतलब मन कर ही जाता है पीने का हाँ तो कुछ नहीं हो और टाइम पास करना हो तो यू कैन एक्चुअली ट्राई दैट वन ग्लास ऑफ मिल्क व्हिच वाज आई डोंट नो हाउ मच इट वाज आई डोंट नो बट उसने टोटल 70 रुपीस लिए क्या बात कर रहे हो हाँ, तो मतलब 15-20 रुपए का होगा एक ग्लास हाँ, और पकोड़े बड़े सही थे ना हाँ, पकोड़े अच्छे थे बस तेल बहुत था सिमर दूध कैसा लगा दूध अच्छा था अरे पकोड़े का हुआ कड़ा हुआ है नहीं नहीं ट्राई करना हाँ पकोड़े लाइक इट माइट बी नॉट लाइक इट कुछ पक्का पता नहीं है बट वी एक्चुअली लव्ड इट बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग पकोड़े जो है वो दद्दू के ट्राई करो दद्दू के ये इसलिए बोल रही है कि वो भांग के पकोड़े मिलते हैं वहाँ पे तो कोई नहीं अभी हम 2-3 दिन यहाँ पर हैं हम लोग वो ट्राई करेंगे डेफिनेटली वहाँ से निकलने के बाद हम लोग आ गए हैं इस जगह में जर्मन बेकर्स तो यहाँ आ गए हैं यहाँ से तो सामने का व्यू दिख रहा है ना भाई एक नंबर व्यू दिख रहा है हैव अ लुक सो वो दिख रहा है ये देखो और ये साथ ही साथ लक्ष्मण झूला है 14 मंजिल टेम्पल है अच्छा कैसा फील हो रहा है आपको ये बहुत ट्राई करना आप अपने घर पे ओके ऐसे करने का अलग ही मजा है वेस्ट बहुत हो रही है वैसे बाय द वे अरे ये खाओ ना यार ये नहीं खा रहे आप लोग